Good afternoon to all of you. Today's date marks the completion of 1 month journey of my YouTube channel. So here I am thanking you all for your commendable support and also the words of appreciation given by you all. Thanking you all so very much. And today's video is going to be a motivational video for all of you, as you all have motivated me by your words of appreciation. So I have thought of coming up a video as a token of thanks to you, to all of the students out there, so that they can get rid of this problem from their life. So yes, today's video is going to be on the problem of फ़ोन एडिक्शन बाय वेरियस स्टूडेंट्स. हम सभी लोगों में फ़ोन एडिक्शन आज के टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है. ऑल्दो इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता है, सबको सिर्फ एक कंप्लेन होती है दैट मेरे बच्चे को मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, या इवन स्टूडेंट्स देमसेल्व्स नो कि उन्हें फ़ोन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, बट दे डू नॉट नो कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है या हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में, इस मोटिवेशनल लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं. सो वॉट आई हैव एनालाइज फ्रॉम माई लाइफ इट सेल्फ और फ्रॉम एनीबडी एल्सेज लाइफ, जो लोग मेरे अराउंड रहते हैं या स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनकी लाइफ से जो एनालाइज किया है वो ये है कि इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आज के टाइम पर आज के स्टूडेंट्स के लिए इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. दैट आई नो वेरी मच. बट इस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट ना करके इसका एक दूसरा मॉडिफाइड रूप निकाल सकते हैं या इसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अब वो सोल्यूशन क्या होगा? एज आपने इस स्लाइड में देखा कि हम इस प्रॉब्लम को, इस एडिक्शन को क्या एक प्रोडक्टिव यूज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं या इसका एक प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने मोबाइल एडिक्शन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें? तो येस, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. बट देन यू कैन पोज अ क्वेश्चन बिफोर मी, मैम हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एज इन द बिग क्वेश्चन अराइजेज, हाउ? How can this addiction be turned into a productive use? तो ये question tackle करेंगे हम आज के इस video में कि हम कैसे अपने mobile phones को एक productive use का object बना सकते हैं. The only solution which I could resort to is the way of learning. अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से चीज़ों को सीख रहे हैं, उन्हें ग्रास्प कर रहे हैं, उन्हें लर्न कर रहे हैं, वेदर इट बी योर एकेडमिक लर्निंग, वेदर इट बी योर यू नो वोकेशनल लर्निंग, आप किसी भी तरह का यू नो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर मोबाइल से उसका बेनिफिट अगर ले रहे हैं, देन डेफिनेटली दैट कैन एक्ट एज अ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ योर मोबाइल एडिक्शन. So what can be the ways of this learning from mobile? First of all, the very prominent is e-learning, that is your academic learning by way of e-content. Yani ki aise sare content jo aapko online available hai, whether it be YouTube lectures, whether it be some post by Facebook pages, आप इन सब चीज़ों के थ्रू अपने एकेडमिक लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे और भी ज़्यादा यू नो फ्लरिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप्स. तो सोशल मीडिया ऐप्स कहीं ना कहीं आपके सामने एक रुकावट नहीं बनेगा अगर आप उसे अपनी एकेडमिक लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, उसे और भी ज़्यादा शार्पन अप करने के लिए यूज़ करते हैं. सो व्हाट माय सजेशन इज़ कि अगर आप फ़ोन यूज़ ही कर रहे हैं तो आप फ़ोन को अपनी एकेडमिक लर्निंग के लिए यूज़ करिए. साथ ही साथ जो आपकी एकेडमिक लर्निंग है उसके साथ साथ आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, एज अ बुक रीडिंग,
आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, गार्डनिंग आपकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, कुकिंग, इस तरह की जितनी भी आपकी हैबिट्स हैं या आपकी आदतें हैं, आप उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं वाया द कंटिन्यूस लर्निंग विथ योर मोबाइल फ़ोन. बट यू नीड टू रिमेंबर दैट किसी भी चीज़ का एक्सेस हमेशा हार्मफुल होता है. तो यू नीड टू नो वॉट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. सबसे पहला हार्मफुल इफ़ेक्ट तो ये है कि आपकी जो आँखें हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा. आपकी आँखों में जो भी बच्चे हैं, जो स्मॉल किड्स हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, स्पेशली फॉर देम बहुत ही अर्ली एज से उन्हें स्पेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें आई पावर की प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो थ्रू योर फोन्स थ्रू आउट द डे. बट येस, वेन एवर यू आर यूजिंग फोन्स, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, यू कैन यूज दीज सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल और दी अदर एजुकेशनल एप्स और सम वोकेशनल एप्स फॉर दी यू नो फर्निशिंग ऑफ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. सो दिस इज माई सजेशन टू यू. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको इसको अग्री करना है या नहीं करना है, बट दिस इज वॉट द पॉसिबल सोल्यूशन कैन बी ऑफ दिस मोबाइल एडिक्शन. मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम के बारे में बात तो सभी करते हैं, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं या आपके टीचर्स होते हैं वो रिसॉर्ट करते हैं कि आपको स्कोल्ड करेंगे, आपको डांटेंगे, फोन स्नैच कर लेंगे. दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गेट रीडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो वॉट माई सोल्यूशन इज कि आप यूज़ करिए फ़ोन को, बट टू सम एक्सटेंट, एंड जब भी आप उसे यूज़ करिए आप एक नॉलेज की थर्स्ट रखिए. आप उसे उस थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए ही अपने फ़ोन को यूज़ करिए. ओनली देन दिस मोबाइल एडिक्शन कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव यूज़ की एक ऑब्जेक्ट का. आपके मोबाइल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक प्रोडक्टिव यूज़ आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप इन सारे मोड्स और मेथड्स को अपनाते हैं. वॉट एल्स यू कैन ऑल्सो डू इज, बहुत से बच्चों की ये कंप्लेन होती है कि मैम व्हेनेवर वी सिट टू स्टडी हमारा मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है. हम यूज़ तो करते स्टार्ट तो करते हैं उसको यूज़ करने के लिए कि हम उसे अपनी एकेडमिक लर्निंग के लिए यूज़ करें, बट वी एंड अप स्क्रॉलिंग डाउन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स. सो वॉट इज़ द प्रोबेबल सोल्यूशन ऑफ इट? वॉट आई वुड सजेस्ट यू टू कि आप अपने पढ़ाई करते वक्त अगर आप अपने फ़ोन को एकेडमिक लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या कोई प्रोबेबल वर्ड की मीनिंग सर्च करने के लिए खोल रहे हैं या कुछ भी पीडीएफ कंटेंट देखने के लिए खोल रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप 15-20 या आधे घंटे बाद या 45 मिनट के बाद आपको एग्जॉशन फील होता है, मेंटली एग्जॉशन फील होता है, वॉट यू कैन डू इज़ कि आप अपने फेवरेट के गाने, अपने फेवरेट वीडियोज़ कुछ 5-10 मिनट के लिए देख सकते हैं, सो दैट योर माइंड गेट्स रिलैक्स्ड एंड आपकी एफिशिएंसी उस 5-10 मिनट के बाद बढ़ जाएगी और आप दोबारा से अपनी स्टडीज़ पे उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. बट अगेन, वॉट आई एम सेइंग इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. वॉट एल्स इज नीडेड? आपका डिटर्मिनेशन. तो अगर आप मोबाइल के यूज़ के लिए, एक्सेसिव यूज़ के लिए जब तक डिटर्मिन नहीं होंगे कि मुझे इस मोबाइल ऐप को या इस मोबाइल फ़ोन को इस लिमिट, इस एक्सटेंट तक यूज़ करना है या इन चीज़ों के लिए यूज़ करना है, नथिंग कैन हेल्प यू आउट. सो प्लीज़ प्लीज़ हैव अ क्लैरिटी अपॉन दिस कि फॉर अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस ऑल ऑफ दिस काउंसलिंग की मैम ने बोल दिया है कि हमें एकेडमिक लर्निंग, अपनी वोकेशनल लर्निंग को और भी शार्पन अप करना है इसलिए हम मोबाइल्स को चला सकते हैं, बट अगेन मैंने आपको ये भी बोला है कि एक्सेसिव यूज़ इज ऑलवेज हार्मफुल. यू कैन नॉट यूज़ योर मोबाइल्स थ्रू आउट द डे. बट येस, इफ़ योर जॉब इज सच, इफ़ योर वर्क इज सच कि आपको अपने मोबाइल फोन्स को ज़्यादा टाइम देना है, आप उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं बाय द वेज विच आई हैव टोल्ड यू. सो लेट्स प्लेज कि हम इस मोबाइल एडिक्शन की चेन को ब्रेक करेंगे, और रादर लेट्स प्लेज दैट वी विल एनचेन आर सेल्स विद द नॉलेज वाय द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन. तो अगर आप ये प्लेज लेते हैं मेरे साथ, तो आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कुछ हेल्प मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच.